सिंड्रेला और जादुई केक। एक बार की बात है, सुंदर राजकुमारी सिंड्रेला और उसके पति लियो देश के सबसे बड़े महल में रहते थे और उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहनों को इस बात से बहुत जलन थी कि सिंड्रेला एक राजकुमारी थी और वे नहीं थी। इसलिए वे अभी भी सिंड्रेला के खिलाफ साजिश रच रही थी उसके रुतबे और महल को छीनने के लिए। सिंड्रेला को लगता है कि वो एक राजकुमारी है, लेकिन वो भूल गई है कि वो असल में कौन है। हाँ, वो सिर्फ हमारे घर की नौकरानी थी। हमें उसे वापस उसकी औकात में लाना होगा। वो राजकुमारी बनने के लायक नहीं है। लेडी पफी सिंड्रेला की सौतेली माँ थी। अपनी दोनों बेटियों कसांड्रा और जेजाबेल के साथ वो शहर की सबसे स्वादिष्ट केक और मफिन वाली बेकरी में गई। बेकर लेडी पफी की बहन जीनिया थी, जो गुप्त रूप से एक शक्तिशाली जादूगरनी थी। उसकी दुकान में कभी कोई ग्राहक नहीं आता था क्योंकि वो बहुत डरावनी थी। ओह, मेरे पसंदीदा ग्राहक, बहन पफी और मेरी भतीजियाँ। हेलो आंटी जी। हमें तुम्हारी जरूरत है बहन, सिंड्रेला के लिए दुष्ट योजना बनाने के लिए। तो तुम अभी भी सिंड्रेला से नाराज हो? जब तक मेरी एक बेटी राजकुमारी के रूप में महल में प्रवेश नहीं करती, तब तक हम हमेशा के लिए नाराज रहेंगे। ओह, ये बात है, तो जादू के कमरे में मेरा इंतजार करो। लेडी पफी और उनकी बेटियां बेकरी के नीचे रहस्यमयी जादुई कमरे में उतरी। सीनिया ने बस एक बार अपनी उंगलियों को घुमाकर अपने कपड़ों को एक जादूगरनी की वेशभूषा में बदल दिया और वो भी सीढ़ियों से नीचे चली गई। ओके, तो बताओ इस बार कैसी योजना बनाओगी? तुम हमारे लिए एक बड़ा स्वादिष्ट शानदार केक बनाओगी, पर उसकी सामग्री हम तुम्हें बताएंगी। जब लेडी पफी और उनकी ईर्ष्यालु बेटियां विश्वासघाती योजना बता रही थीं, इस बीच महल के बागीचे में सिंड्रेला अपने चूहे दोस्तों के साथ एक खूबसूरत दिन का आनंद ले रही थी। वे खेल रहे थे लुका छुपी। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया चैडर। ओ नहीं, मैं पकड़ा गया। चलो देखते हैं कि मोज़रेला कहाँ है। तो यहाँ? ओ नहीं, या उस फूल के पीछे? टडा, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। हम इस खेल में आपको कभी नहीं हरा सकते सिंड्रेला। ओ, मुझे नहीं लगता। चलो कुछ खाते हैं। सिंड्रेला और उसके चूहे दोस्त महल में प्रवेश करने ही वाले थे कि उन्होंने पीछे से कुछ चिल्लाने की आवाजें सुनी। सिंड्रेला, रुको! ओह, लेडी पफी और मेरी सौतेली बहने, वे यहाँ क्यों आई हैं? लेडी पफी और उनकी बेटियां कुछ बहुत बड़ा उठाकर लेकर आ रही थीं। वे धीरे से सिंड्रेला के पास आईं। सिंड्रेला, हमारे देश की राजकुमारी, हमारी प्यारी बहन, हम आपके लिए एक उपहार लाए हैं। हम अपने किए गए सभी बुरे कामों के लिए तुमसे क्षमा चाहते हैं। अब हमारे बीच के झगड़े और बहस को खत्म करते हैं। हम तुम्हारा प्यारा परिवार हैं। तो क्या अब आप मुझे अपना मानते हैं? हाँ, बिल्कुल। देखो, हमने इस खूबसूरत केक को इस उम्मीद से बनाया है कि तुम हमें माफ करोगी। सिंड्रेला केक देखकर बहुत खुश थी। वो तुरंत उसे चखना चाहती थी, लेकिन उसके चूहे दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की क्योंकि उन्हें पफी के इरादे नेक नहीं लग रहे थे। रुको सिंड्रेला, मत खाओ। सिंड्रेला ने अपने दोस्तों की बात नहीं मानी और खाने के लिए तुरंत केक हाथ में ले लिया और उसे ऐसे खाने लगी जैसे वो भूख से मर रही हो। ये देखकर पफी और उसकी बेटियां हंसने लगी। केक
मजे से खाओ सिंड्रेला। केक का आखिरी टुकड़ा खाने से पहले ही सिंड्रेला को पसीना आने लगा और उसे अजीब लगने लगा। यहाँ तक कि अचानक वो टुकड़ा उसके हाथ से नीचे गिर गया और उसके हाथ छोटे हो गए और फिर उसके पैर छोटे और छोटे होते गए। सिंड्रेला, क्या हो रहा है? सिंड्रेला अचानक एक छोटे इंसान के रूप में बदल गई। वो अब एक चूहे के साइज की थी। ओ नहीं, अरे नहीं, मैं सिकुड़ रही हूँ। मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा। सब कुछ कितना बड़ा और खतरनाक लग रहा है। अब हमारे देश की राजकुमारी को तो देखो, वो चूहे जैसी छोटी हो गई। अगर प्रिंस लियो तुम्हें इस तरह देखेगा तो वो निश्चित रूप से किसी और राजकुमारी को ढूंढ लेगा। आओ लड़कियों, चलें। हमें अभी और भी बहुत से काम करने हैं। हाँ, हम आ रहे हैं राजकुमार लियो। पफी और उनकी बेटियों ने लगभग सिंड्रेला को पैर से कुचल ही दिया होता, क्योंकि वे राजकुमार के लिए सुंदर कपड़े पहनने की जल्दी में थी। संभाल के, मैं इसे ठीक करके रहूंगी, पर किस तरह? चिंता मत करो सिंड्रेला, अगर हम हेजलनट के पेड़ के पास पहुंच गए तो लियाबेल हमारी मदद करेंगी। हाँ हाँ, चलो, इससे पहले कि राजकुमार आपको इस तरह देख ले। सिंड्रेला और उसके चूहे दोस्त तुरंत चल पड़े। सब कुछ अपने छोटे आकार के कारण सिंड्रेला को बहुत बड़ा लग रहा था। सब कुछ कितना बड़ा है, क्या मेरे चूहे दोस्तों को ये हमेशा ऐसा ही दिखता है? जैसे ही उन्होंने महल के बागीचे से बाहर निकलने की कोशिश की, राजकुमार लियो महल से आते हुए दिखाई दिए। जैसे ही सिंड्रेला ने लियो के जूते देखे, वो समझ गई कि वो वही है और छिप गई। आप यहाँ हैं मोज़रेला और चेडर? क्या आपने सिंड्रेला को देखा है? वो मुझे आज सुबह से नहीं मिली। शायद वो अपने सफेद घोड़े को देखने के लिए गई होंगी। बेशक, मैंने वहाँ देखने के बारे में सोचा ही नहीं। धन्यवाद। जब राजकुमार चूहों से दूर चला गया, सिंड्रेला उस जगह से बाहर आई जहाँ वो छुपी थी। जल्दी करो सिंड्रेला, तुम्हारी सौतेली बहनों के आने से पहले तुम्हें अपने असली रूप में आना है। सिंड्रेला और उसके चूहे दोस्तों ने हेजलनट के पेड़ की तरफ अपनी पूरी ताकत से दौड़ना शुरू किया। इस दौरान कैसेंड्रा और ज़ेज़ाबेल अच्छे से तैयार होकर महल की ओर रवाना हो गईं। मेरे बाल इतने सुंदर हैं कि जब राजकुमार इन्हें देखेगा तो वह रुक नहीं पाएगा। नहीं, सच ये है कि राजकुमार इस पोशाक में मुझे देखते ही बेहोश हो जाएगा। सौतेली बहनें थोड़ी देर बाद महल में पहुंच गईं और सिंड्रेला, चेडर और मोज़रेला आखिरकार हेज़लनट के पेड़ पर पहुंचे। वे दौड़ते दौड़ते थक गए थे और उन्होंने अच्छी परी को बुलाने के लिए पेड़ के तने को छुआ। लियाबेल, लियाबेल, तुम जहां भी हो तुरंत आओ। कुछ ही समय के बाद लियाबेल चमचमाती हुई वहां प्रकट हुई। ओ सिंड्रेला, तुम्हें क्या हुआ? मेरी मदद करें लियाबेल, मैंने पफी द्वारा लाया हुआ केक खाया और फिर मैं इस तरह सिकुड़ गई। आओ, मैं तुम्हें ठीक करने वाला जादू जानती हूँ। लियाबेल, जो सिंड्रेला की आंखों से उसे बहुत बड़ी लग रही थी, उसने अपनी जादू की छड़ी को तीन बार हवा में हिलाया, लेकिन सिंड्रेला बढ़ने की बजाय और भी छोटी हो गई। नहीं लियाबेल, अब तो आपने सिंड्रेला को चींटी के आकार में सिकोड़ दिया। तो इस बार लियाबेल ने एक मजबूत जादू की छड़ी निकाली। और आखिरकार सिंड्रेला पहले जैसी हो गई। आपने ये कर दिया, ये कर दिया लियाबेल, धन्यवाद। चलो, हमें महल वापस जाना है। इस बीच
प्रिंस लियो सिंड्रेला की तलाश कर करके थक गया था और महल के हॉल में लौट आया था। उसकी हैरानी की सीमा नहीं थी जब उसने हॉल में जेजाबेल को अपने पर डोरे डालने की कोशिश करते हुए देखा। मेरे राजकुमार, देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। मैं डांस भी बहुत अच्छा करती हूँ। ला 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 ला। आखिरकार सिंड्रेला महल के हॉल में पहुंची और जेजाबेल की ही तरह कसांड्रा भी लियो के पास आने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब राजकुमार ने सिंड्रेला को हॉल में देखा तो वो तेजी से उसकी ओर भागा। मुझे जाना होगा, मेरी राजकुमारी, मैंने हर जगह तुम्हें ढूंढा, तुम कहाँ थी? सिंड्रेला ने प्रिंस को बताया कि असल में उसके साथ क्या हुआ था, उसने कैसे जादुई केक को खाया और कैसे वो छोटी हो गई, और अपने चूहे दोस्तों की मदद से कैसे उन्होंने अच्छी परी को बुलाया। सिंड्रेला, आप हर तरह से सुंदर हैं। मैं आपको हमेशा प्यार करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सिंड्रेला और प्रिंस लियो का प्यार कोई नहीं बिगाड़ सकता, न तो दुष्ट लेडी पफी, न ही उसकी ईर्ष्यालु बेटियां, यहाँ तक कि उनका जादुई केक भी नहीं।